पतंजलि सिम के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, करीब करीब एक साल हो गए हैं पतंजलि सिम के लॉन्च हुए। आइए दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताते हैं कि पतंजलि सिम को कैसे हासिल किया जा सकता है, कौन उसको प्राप्त कर सकता है। दोस्तों बहुत सारी जगह ये भी खबरें हैं कि पतंजलि सिम केवल और केवल एक जालसाज था, एक धोखाधड़ी था, तो आइए दोस्तों उसके बारे में भी इस वीडियो में बता देते हैं और पूरी सच्चाई शुरू से अंत तक पतंजलि सिम के बारे में आपके सामने खोल कर रख देता हूँ। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ़ उठाते रहें। हेलो दोस्तों नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार करता हूं आप सभी का स्वागत नई वीडियो में। दोस्तों पर्सनली कोई भी बात करनी है मुझसे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर फॉलो करें, रिक्वेस्ट भेजें। दोस्तों अभी से करीब 1.5 साल पहले हमें खबर मिली मार्केट से कि पतंजलि अपना सिम लॉन्च करने जा रहा है, वो भी 4G। दोस्तों 2018 में करीब फर्स्ट 6 मंथ्स में ये खबरें वायरल हुई और आप सभी को बता दूं बाबा रामदेव पतंजलि सिम को लॉन्च करते हुए दोस्तों स्टेज इवेंट भी दिए और दोस्तों वहां पर कई सारी उनकी फोटोज भी हमारे सामने आई। दोस्तों ये खबर आई कि BSNL और पतंजलि साथ मिलकर लॉन्च करेंगे सिम और 3 प्लान्स भी सामने आए, 144 रुपए का, 792 रुपए का और 1500 रुपए का। और जो प्लान थे दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छे थे, खूबसूरत थे। 144 में आपको 2GB रोज के लिए मिल रहा था 28 दिनों तक और 100 SMS डेली और दोस्तों कॉलिंग अनलिमिटेड आप सभी को मिल रही थी। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आज तक कोई पतंजलि की सिम किसी के हाथ में न देख पाया हूँ। इनफैक्ट कोई यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं आई है, न ही मेरे पास। दोस्तों मैं इंडिया में शायद टेलीकॉम में न्यूज़ देने वाला सबसे अपफ्रंट आदमी हूँ, दोस्तों मेरे पास ही पतंजलि की सिम नहीं आ पाई है। दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पतंजलि ने सिम लॉन्च करने की सोची लेकिन दोस्तों वो इस प्लान में असफल हुए, वो नहीं लॉन्च कर पाए दोस्तों अपना सिम। और दोस्तों उस पतंजलि ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब हम पतंजलि की सिम केवल और केवल पतंजलि के एम्प्लॉयज़ के लिए ही लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पतंजलि के एम्प्लॉय हैं तो अपना कार्ड ले जाइए, BSNL के किसी भी आउटलेट पे दिखाइए और वहाँ पर दोस्तों आपको पतंजलि की सिम मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप पतंजलि कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो। जैसे कि दोस्तों जियो जब लॉन्च हुआ था तो जियो केवल और केवल अपने एम्प्लॉयज़ को शुरू में दे रहा था, फिर बाद में वो जनता के लिए पब्लिक हुआ। दोस्तों उसी तरह पतंजलि ने भी ये सिस्टम कर लिया है, पर वहाँ पर आपको फ्री सर्विस नहीं, पैसा भी देना पड़ेगा अगर आप पतंजलि के एम्प्लॉय हैं। फिर भी दोस्तों आपको ये बात भी बता दूं कि पतंजलि के एक एम्प्लॉय से मैंने पर्सनल पूछा था और उनको भी सिम नहीं मिली है। तो दोस्तों पतंजलि क्या कर रहा है और अपने प्लान में वो कब सफल होगा, इस बात की यहाँ पर कोई भी पुष्टिकरण नहीं है। दोस्तों पतंजलि की सिम अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस बात को भूल जाइए, दोस्तों मुझे तक नहीं मिली है, मैं आपको कैसे गारंटी दे सकता हूं, कैसे बता सकता हूं कहां से मिलेगी। दोस्तों कह सकते हैं पतंजलि के सिम दोस्तों केवल और केवल पतंजलि का नाम उठाया और दोस्तों एक बार हवा बन गया पूरे मार्केट में, एक बार केवल और केवल पब्लिक स्टंट हो गया दोस्तों और यहां पर कोई ऐसी सिम हमारे सामने नहीं आई, इसलिए दोस्तों मैं पतंजलि की यहां पर निंदा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही, पूरी सच्ची जानकारी मैंने आपके सामने रख दी, फैसला करना आपके हाथ में है। दोस्तों पतंजलि की और प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, इस बात के लिए मैं बाबा रामदेव जी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं, काफी तेजी से कंपनी बढ़ भी रही है। दोस्तों आचार्य बालकृष्ण को इस बात के लिए दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया भारत की जनता की ओर से। बस दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, हमें पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए और अभी के लिए मुझको इजाजत दें, धन्यवाद।